वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस एपीसोड विच असी जानांगे नवाब कपूर सिंह जी दे करतबां बारे। भाई मनी सिंह जी दे हत्यारियां ते खालसे दे वैरियां विच्चों भावें इस वक्त ती कईयां नूं चुन चुन के उन्हां दे बीजे होए दा फल उन्हां नूं चखा दित्ता गया सी, पर अज इस साके दा मुख अपराधी पिछे रहिंदा सी अते इह सी खान बहादुर जकरिया खान, जिसने वैर भाव नूं मन विच रख के भाई मनी सिंह दे फसाण लई इह सारा जाल खलेरिया सी। इह ज्यों ज्यों भाई साहब दे हत्यारियां दीआं सजावां दा हाल सुणदा सी त्यों त्यों सहमदा जांदा सी। इह चंगी तरह समझदा सी कि जिन्हां ने मेरे हुक्म नाल भाई मनी सिंह नूं कष्ट दित्ते सन, जो उन्हां दा इह कुछ हाल खालसिआं दे हत्थों हो रिहा है तां पता नहीं मेरे नाल उन्हां दा की वरतारा होवेगा। इस तरह खान बहादुर ने किले तों बाहर निकलना बंद कर दिता, अपने बेगमपुरे वाले महल विच रहना त्याग के सने बेगमां दे किले दे अंदर जा रहा। राज दे सरकारी काम वजीरां ते फौजी मुखियां नाल विचारां ते सलाह करन ते दरबार किले दे अंदर ही लगन लग पए अते किले दे दरवाजे दी रखवाली विच फौज दा कई गुणा वाधा कर दिता। इधर नवाब कपूर सिंह ने खान बहादुर बारे दिन दिन दी खबर पहुँचाण लई कई सियाणे सूहे नियत किते हुए सन। उन्हें एक दिन यह सूह आ दिती कि आवण वाले जुम्मे की नमाज जकरिया खान बादशाही मसीत विच पड़ेगा। इस खबर के पहुँचण सार नवाब कपूर सिंह ने झटापट अपने सूरबीर जत्थे विच्चों 2000 के लगभग सिंघां नूं सबज रंग के बस्त्र पहनण का प्रबंध कर लिया अते इस तरह हैदरी झंडे के नमूने पर एक झंडा भी तैयार हो गया, जिस पर चन्न तारे का इस्लामी चित्र लगा होया सी। इस सारे जत्थे दे सिंघां दे दाड़े तो पहलां तो ही खुले सन, हुण नाल केस भी खोल के इस्लामी मुजेदीना वांग पिछां खिलार ले। ये सारे इस भेस विच इउं दिसदे सन ज्यों उच्च दे पीरां दे मुरीद सिंघां दे विरुद्ध जहादी लड़ाई लड़न लई आए हन। इस समय नवाब कपूर सिंह ने जहादी झंडे वाले नूं सेना दे मूहरे तोरिया ते इहदे पिछे पिछे इह सबज पोश टोला सने नवाब कपूर सिंह दे दरिया रावी दे बेल विचों निकलिया अते अल्लाहू अकबर दे आकाश तोड़ नारे लगांदे होए बादशाही मसीत वल आ गए। आम जनता इन्हां दे जोश ते बाणे नूं वेख के यह समझदे सन कि गाजी हुणे सिंघां ते फतेह पा के इनाम ते जगीरां प्राप्त करन लई इत्थे आए हन। ठीक जुम्मे दी नमाज दे आरंभ होण तों थोड़ा समा पहलां नवाब कपूर सिंह उस थां पर पहुँच गया जो टकसाली दरवाजे तों बार बार किले अते मसीत दे लागे खुला मैदान सी। हुण पल पल खान बहादुर दी सवारी दी उड़ीक होण लगी ते हर एक सिंह इस ताड़ विच सी कि हुण ही जकरिया खान पुजेगा ते इस खालसे दे वैरी दे लहू विच मेरी तलवार टुब्बे लाएगी। इस तरह उड़ीकां उड़ीकां विच नमाज दा समा बीत गया। नमाजिया शाही मसीत विच नमाज पढ़न लई पर खान ने किले विचों ना निकलिया। नमाज दे आरंभ समय उसने मसीत दे पेश इमाम नूं सुनेहा कलवा दिता कि जकरिया खान दी तबीयत इकाएक खराब हो गई सी, जिस दे कारण वह मसीत विच नहीं आए। प्रतीत हुंदा है कि खान बहादुर नूं किसी तरह खतरे का शंका उपज पिया सी, जिस करके वह नमाज लई किले तो बाहर ना निकलिया। जद नमाज पढ़ी गई तो यह बनावटी गाजियां दे आगुआं यह विचार के जद हुण लाहौर आए हाँ तो कुछ ना कुछ खालसे चमत्कार इत्थे दस्या जाए। सो नवाब जी दे इस हुक्म नूं सुणदे ही सारे जथे ने हुण अल्लाहू अकबर दे नारियां नूं सत श्री अकाल दे जकारियां विच पलट दिता। यह सारा जथा टकसालियां दरवाजियों शहर विच वड़ के पार्टियों बाहर निकल गया। शहर विचों लंघदे जथे दे इन्हां सिंघां नूं जिस जिस चीज़ की लोड़ सी वह चुक लई अते सिद्धे बिना रोक टोक लाहौरों निकल के अख दे फुरकार विच अखां तों अलोप हो गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।